The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों कैसे हैं आप मैं हूं डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन दोस्तों आज बात करेंगे हम एक सुपर फूड आपके घर में मौजूद अदरक जिंजर के बारे में जी हाँ जिंजर अदरक उसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसके अंदर कई सारे बेनिफिट्स हैं इसको फ्रेश और ड्राइड और पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है कभी कभी इसके तेल भी बनाए जाते हैं जिंजर ऑयल एंड ऑल और बहुत कॉमनली आप इसे घर पे इस्तेमाल करते हैं इसके बेनिफिट क्या है पहला तो इसको दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है प्रूवन है कि ये नौशिया के लिए उल्टी जिसको आती है उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये फ्लू और कोल्ड का एक नेचुरल ट्रीटमेंट है और इसके कारण है इसके अंदर मौजूद जिंजरॉल नाम का एक एलिमेंट ये एक जिंजर की पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी है आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा और सबसे बढ़िया कोल्ड एंड फ्लू में बहुत बढ़िया इफेक्ट आता है अदरक और अदरक का जूस अदरक का रस अदरक शहद मिक्स्ड या फिर ऑब्वियसली हनी इज ऑल्सो वेरी नाइस एंड अदरक वाली चाय इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर कोल्ड ट्रीटमेंट नौजिया या मॉर्निंग सिकनेस आपको होती है प्रेगनेंसी में भी होती है तो भी आप इसका इस्तेमाल किया जा सकता है बहुत ही कॉमनली यूज की जाते हैं और इवन कीमोथेरेपी के वजह से अगर आपको हो रही है कैंसर के वजह से जो आपको उल्टी आ रही है ऑपरेशन के बाद आपको उल्टी आ रही है उसमें भी आपका ये हेल्प करेगा सो मॉर्निंग सिकनेस एंड ऑल में भी ट्रैवल कर रहे हैं उस केस में भी आप अदरक वाली चाय पी सकते हैं और इवन प्रेग्नेंट वुमेन्स में भी ये हेल्प करता है किस केस में अगर आपको कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर है या आपको ब्लीडिंग हो रही है वेजाइनल ब्लीडिंग मेंसेस में है तब इसका कम इस्तेमाल करें ये तब बढ़ा सकता है इश्यूज और कोई इशू नहीं है राइट तो और अगर आप प्रेगनेंसी में आपके लेबर के पास है लेबर तब आप इसका कम इस्तेमाल करें राइट इसको कितना इस्तेमाल कर सकते हैं 1 से 1.5 ग्राम तक राइट इट कैन प्रिवेंट अ लॉट ऑफ डिजीजेस नौशिया वॉमिटिंग एंड ऑल प्लस जिंजर के अंदर वेट लॉस में का भी थोड़ा रोल है बहुत बड़ा नहीं बट थोड़ा है जिंजर सप्लीमेंटेशन से बॉडी वेट हिप वेस्ट रेशियो और यू नो ओबेसिटी भी कम होते हुए देखी गई है कई सारे रिजल्ट रिसर्चेज इसमें हुए और इंसुलिन की बॉडी इंसुलिन लेवल्स भी इसमें कम होते हैं शुगर लेवल्स थोड़े से कंट्रोल होते हुए देखे गए हैं और इस चीज़ के लिए आपको लेकिन समय लगता है यानी 2 ग्राम जिंजर अगर आप डेली लेंगे फॉर लाइक 12 वीक्स तब आपको इस टाइप के रिजल्ट देखने को मिलेंगे 3 महीने के बाद और मतलब रेगुलरली जिंजर खाना पड़ेगा ओके बेसिक चीज है उस केस के लिए प्लस ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटने की प्रॉब्लम में भी ये दर्द को कम कर सकता है इट कैन हेल्प इसके ऊपर लेकिन माइल्ड रिजल्ट है बहुत मेजर रिजल्ट नहीं है लेकिन इसको आप यूज कर सकते हैं ठीक है जिंजर के कैप्सूल्स भी आते हैं आप अगर लेना चाहें 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम आप दिन में 2 बार ले सकते हैं दैट काइंड ऑफ अ थिंग कैन डू उसके आप जब ऐसे ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट को देखे देखा गया तो उनके पेन में कमी देखी गई सो दैट इज ऑल्सो गुड शुगर और हार्ट डिजीज के लिए भी बहुत अच्छे हैं हार्ट डिजीज वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके केस में इवन या शुगर वाले पेशेंट्स के केस में कंट्रोल बेटर होते हुए देखा गया है प्लस क्रोनिक इनडाइजेशन अगर आपको है डाइजेस्ट नहीं होता है खाना तो जिंजर लेने से हेल्प होगी डाइजेशन में हेल्प होगी फंक्शनल डिस्पेप्सिया गैस जिसको बहुत ज़्यादा होती है उस केस में भी हेल्प होती है इट्स नॉट रियली अकेला ट्रीटमेंट सोल ट्रीटमेंट नहीं बोल सकते इट हेल्प होती है सो जिंजर अपने रेगुलर डाइट में लेना आपके लिए बहुत हेल्दी माना जाता है सो प्लस मेंस्ट्रुअल पेन्स जिनको फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल पेन होता है ड्यूरिंग मेंसेस उस केस में भी ट्रेडिशनली आप जिंजर का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको हेल्प होता है यानी कि आप दर्द की दवा लेने की जगह जिंजर ले सकते हैं यानी कि अदरक ले सकते हैं उससे आपको फर्क महसूस होगा 250 ग्राम जिंजर पाउडर आपके 250 ग्राम मेफेनमिक एसिड मेफ्टल या आइबुप्रोफेन 400 ग्राम के बराबर आपको इफेक्ट देता है प्लस जिंजर इज मोर इफेक्टिव देन सम ऑफ दीज मेडिसिन अलोन बहुत फर्क पड़ता है जिंजर रेगुलर लेने से ओके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी आपके कम करता है अदरक इसको LDL लेवल्स आपके जो है वो हार्ट डिजीज के साथ लिंक्ड है तो LDL लेवल्स आपके जिंजर लेने रेगुलर लेने से 17% तक कम हो गए अगर आप 3 महीने तक रेगुलर जिंजर लेते हो
उसके बाद रेगुलर लेते रहोगे तो कम रहेंगे, दैट इज गुड। सो जिंजर लेने से फायदा है। कितना डोज, अगेन 500 से 1 ग्राम तक, 1 ग्राम 500 ग्राम दिन में 2 बार 3 बार ले सकते हैं, सो दैट इज गुड। सो कोलेस्ट्रॉल के लिए भी इट इज वेरी इफेक्टिव। तो हार्ट डिजीज वाले इस एस्पेक्ट से भी, शुगर कंट्रोल से भी ले सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भी ले सकते हैं, यहाँ तक कि भैया ये कैंसर को भी प्रिवेंट कर सकता है। ट्रीटमेंट का तो पता नहीं, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, मगर ये फिर लार्ज अमाउंट में लेना पड़ता है। जो जिंजर ऑल है, लार्ज अमाउंट में लेते हैं तो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज बढ़ जाती है। तो अगर आप रेगुलरली लेते हैं, कैंसर जैसे कोलोरेक्टल, पेट, इंटेस्टाइन्स के कैंसर हैं वो प्रिवेंट होते हुए देखे गए हैं, राइट? सो दैट इज अ गुड एविडेंस, मगर लार्ज अमाउंट आपको लेना पड़ता है उस केस में। ब्रेन फंक्शन के लिए, अल्जाइमर्स डिजीज के लिए, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के लिए भी ये इफेक्टिव है, और आप इसका इस्तेमाल बुजुर्गों को, उनको खाने बनाने में भी बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इन्फेक्शंस, खासकर वायरल इन्फेक्शंस, कोल्ड इन्फेक्शंस, मुंह के इन्फेक्शंस, दांतों के इन्फेक्शंस में बहुत इफेक्टिव है। ओरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के, इन्फ्लामेटरी गम डिजीज के लिए, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरसेस के लिए बहुत ही बढ़िया इफेक्टिव है। तो जिंजर, अदरक का रस, अदरक के आप ले सकते हैं, तो उसको शहद में मिला के ले सकते हैं इफ़ यू आर नॉन डायबिटिक, तो बहुत अच्छा है, राइट? यू कैन ऐड इट टू एनी फूड यू वॉन्ट, इट इज़ अ वेरी न्यूट्रिटिव, वेरी बायो एक्टिव कंपाउंड, जो आपके ब्रेन, हार्ट हेल्थ, कोलेस्ट्रॉल, डाइजेशन, नॉजिया, वॉमिटिंग और इन सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। तो अदरक का इस्तेमाल अगर आप नहीं करते हो तो कम से कम अदरक वाली चाय जरूर पीजिए। अदरक इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। प्लीज शेयर दिस वीडियो, फॉर सच सिमिलर वीडियोज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। दिस इज डॉक्टर परमजीत साइनिंग ऑफ।